हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि भैया भाभी निकल गए हैं और हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर। तो हम लोग ने चेंज करके सामने वाली दुकान से चाय पी रहे हैं, फिर हम लोग निकलने वाले हैं दीदी के साथ। तो फिर पूजा ने मिस्टेक कर दी और सैंडल फिर छोटा के लिए अलग अलग ला ली। तो ये मिस्टेक ना बार बार हो रही है। तो फिर हम लोग दीदी के घर पहुंच गए हैं और नाश्ता चल रहा है और पानी बहुत तेज़ था, इसलिए हमने आते टाइम का वीडियो मैंने बंद कर दिया था। तो ये नाश्ता चल रहा है और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो रिशान और छोटा वहाँ जाके बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है और हम लोग सब बैठ के नाश्ता कर रहे हैं और उन लोग को देख रहे हैं। तो ये दोनों ना बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, रिशान जैसे जैसे कर रहा है, छोटा भी वैसे वैसे ही कर रहा है। तो इन लोग को देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। हाय, काफ़ी चीज़ टाइम तो ऐसा हुआ था कि बहुत मस्ती कर रहे थे मगर वीडियो चालू नहीं था। अब एक रिशान छोटा की मस्ती हो गई और हम लोगों का सबका खाना भी हो गया। बहुत ही टेस्टी बना था खाना, थोड़ा अलग हम लोग की तरफ से। और फिर दीदी ने टीका लगाकर हम लोग को विदाई। तो बोल रही थी दीदी कि रुक जाओ क्योंकि बहुत तेज़ बारिश चल रही थी, लेकिन हम लोग का सामान वहाँ रखा था इसलिए हम नहीं रुक पाए। तो ये दो साड़ी दी है हमको पूजा और मेरे को, तो बस थोड़ा सा कलर डार्क और लाइट है, बाकी एक सी है। तो बहुत ही प्यारी साड़ी। तो उस टाइम में बर्थडे उमंग जी का बहुत जल्दी जल्दी में बनाए थे हम लोग ने, किसी ने केक भी नहीं खिलाया था उनको। तो फिर आके हम लोग ने फिर से केक कट किया और खिलाए उमंग जी को। तो बस अब जल्दी से सो रहे हैं क्योंकि सुबह जल्दी से उठ के निकलना भी है हम लोगों को। तो बस हम लोग केक खाते हैं फिर हम लोग सोने वाले हैं। और क्या है, फ्रिज भी नहीं है ना, तो जल्दी से केक को भी ख़त्म करना है। फिर भी काफ़ी बच गया था और फिर हमको दूसरे दिन फेंकना पड़ा था। बहुत ही टेस्टी केक था, बहुत कम क्रीम थी और बहुत ही टेस्ट बहुत अच्छा था। तो बस गुड नाइट, लाइट बंद होने लगे, अब हम लोग सो रहे हैं। तो ये है नेक्स्ट डे का। तो नेक्स्ट डे हम लोग जल्दी से रेडी होकर बस निकलने की तैयारी थी, जल्दी नहीं लेट हो गए थे हम लोग काफ़ी। 11 बजे का टाइम था और 11:30 हो गया था। तो हम लोग जल्दी से निकल रहे थे, तो मैंने सोचा कि रूम का वीडियो ले लेती हूँ, जिससे कि ये ना भाभी की पहचान का था तो उनको मालूम था मैं वीडियो यूट्यूब पे डालती हूँ। तो उनने बोला था आप रूम का और होटल का थोड़ा ले लेना, तो मैंने ले लिया और काफ़ी अच्छा होटल था। इसके शूज लाए चप्पल।
तो ना पूजा ना बार बार गलती कर रही थी कि अलग अलग सैंडल ला रही थी, लेकिन मैंने तो उससे भी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी रिजान की, एक अलग सैंडल और शूज़ ला ली। तो बार बार मेरे पीछे घूम रहा है कि मम्मी एक शूज़ कहाँ, एक सैंडल कहाँ है। तो पता नहीं क्यों बार बार इस टाइप की गलती हो रही थी हम लोगों से। और जल्दी में उतर रहे थे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी ना, तो जल्दी से जो हाथ पे आ रहा था पकड़ के हम लोग निकल रहे थे। तो देख सकते हैं ये होटल का है बैकग्राउंड, सामने का जो रोड है मेन रोड का, यहाँ से आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा था और सफाई भी बहुत अच्छी थी और होटल भी बहुत अच्छा था, तो अच्छा लगा था। लिफ्ट भी है लेकिन हम लोग सीढ़ियों से आना जाना कर रहे थे, लिफ्ट यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि कि फर्स्ट फ्लोर में ही था, तो बस हमने सीढ़ियाँ ही यूज़ किया। तो बस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से जल्दी से। और वैसे तो हम उदगीर तो बहुत ही कम आना, शायद नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम लोग ने ढेर सारी फ़ोटोज़ लिया वहाँ। तो ये है भाभी के भाई, तो बस इनके साथ भी काफ़ी सारी फ़ोटो लिए है। तो ये अभी यहाँ रुकेंगे होटल में, मतलब उनका ऑफिस वर्क था, तो दीदी के घर में ना थोड़ा सा शोर होता तो उनको थोड़ा चाहिए था एकांत की, मीटिंग वगैरह चलती है इसलिए वो अभी यहाँ रुकेंगे। तो ये शुभांकर गेस्ट हाउस है, तो हम लोग यहाँ रुके थे। ये ऊपर साइड पे है रूम और नीचे दुकानें थी। और हम लोग सामने गायत्री होटल में जा रहे हैं नाश्ते के लिए, तो बस हम लोग नाश्ता करेंगे फिर निकलेंगे। दीदी लेके आने वाली है हम लोगों के लिए खाना, तो दीदी के साथ मंदिर जा रहे हैं हम लोग साई धाम, और फिर उधर से निकल जाएंगे। तो हम लोगों का आ गया है नाश्ता, अब हम लोग करने वाले हैं इडली सांभर। तो ये है साउथ की डिश, तो साउथ पे आकर इस टाइप की डिश, साउथ की डिश खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इधर का टेस्ट हम अपने मतलब एमपी से टेस्ट अलग होता है। तो बहुत ही टेस्टी थी इडली और क्या कहते उपमा। तो ये महाराष्ट्र की लास्ट बॉर्डर है, साउथ से अटैच है, तो यहाँ ज़्यादा कल्चर साउथ का ही चलता है। तो बस हम लोग का नाश्ता हो गया है और दीदी भी उधर आ गई है हम लोग के साथ, दीदी भी जा रही है मंदिर। मेन रोड से निकलेंगे अपन, ये रोड, हाँ ये रोड, मेन रोड से अंदर निकलेंगे। आपको तो पूरे रास्ते मालूम होंगे ना यहाँ पे, इधर घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? साईं बाबा के दर्शन करने, साईं बाबा के है ना, साईं मंदिर जा रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए साईं मंदिर। तो यहाँ का मंदिर बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा है मंदिर, साईं मंदिर, और शंकर भगवान की पिंडी भी बहुत ही सुंदर है। तो इसके बाद के वीडियो सारे बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, अभी तक तो बोरिंग था लेकिन इसके बाद के बहुत अच्छे, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे अच्छे जगह गए थे। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा ज़रूर देखना, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय।